नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। सर, हमारा जो चैनल है सेफ एम न्यूज़, इसमें आपका इस्तकबाल है, आपका मकदम है। आज आप लोग यहाँ पे क्या प्रोग्राम कर रहे हो? आज हम लोग का 50वां दिन पूरा हो चुका, पायल फिश फाउंडेशन का, फूड डिस्ट्रीब्यूशन का। आज 50वां दिन है, इसीलिए मैंने सबको इनवाइट किया कि आप लोग आएँ और हम लोग जो कर रहे हैं इसको आवाम तक पहुँचाएं। ये जो लॉकडाउन हुआ है कोरोना को लेकर, एक हम लोग ने देखा कि एक हलचल सी मच गई है, पूरा दुनिया थम गया। और इस मुसीबत की घड़ी में आपकी जो तंजीम है, इस पायल फाउंडेशन, वो लोगों के पास खड़ी थी। कैसा लग रहा है मुसीबत के वक्त लोगों के पास खड़े होकर? आज हमको बहुत प्राउड हो रहा है, बहुत मतलब अच्छा लग रहा है कि आज हम लोगों ने जो किया, शायद मेरे पूरे लाइफ में हमको इससे ज़्यादा खुशी का दिन और कभी नहीं लगा, जो हम लोगों ने आज नीडी पीपल के साथ में खड़े रहे। और नीडी पीपल जब लॉकडाउन हुआ था तो नीडी पीपल के चेहरे पे एक उदासी थी, पायल फिश फाउंडेशन ने बस थोड़ा सा मुस्कान लाने की कोशिश किया। पायल फिश फाउंडेशन, हम लोगों ने देखा कि ये लोगों के आंसू को पोंछे हैं, और इस मुसीबत के घड़ी जब लोगों के आंसू को पोंछ रहे हैं, तो कौन कौन एरिया को आपने टच किया? हाँ, हम लोगों ने सबसे पहले तो हीरापुर का शुरू किया था, हीरापुर को किया, आसनसोल साउथ, उसके बाद कुल्टी हम लोगों ने किया, साउथ नॉर्थ और कुल्टी, और कुछ कुछ जगह में हम लोगों ने बाराबनी में किया। कुछ ही दिनों के बाद अब एक त्यौहार आने वाला, ईद उल फित्र, हम लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन करते हुए अब मुसलमान जो है वो घर से बाहर नहीं निकल रहे, फिर भी आप आखिर में उन लोगों के लिए एक मैसेज दे रहे हैं? मेरा मैसेज यही है कि अभी जो हम लोगों का साथ मुसीबत में है, आप लोग इस लॉकडाउन का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इंशाल्लाह हम लोग आगे साल हम लोग सब मिल करके अच्छा ईद मनाएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सैयद इम्तियाज अहमद, पायल फिश फाउंडेशन चेयरमैन।